संगठन के रास्ते पर सुचारू रूप से चल रही है, बढ़ रही है। ऐसे श्रीमान रामलाल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भाई सतीश उपाध्याय जी, सांसद और मंत्री दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान विजय गोयल जी, सांसद प्रवेश वर्मा जी, महेश गिरी जी, अपने मीडिया के इंचार्ज और सांसद अनिल बलूनी जी, राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली के सहप्रभारी तरुण चूग जी, लोकसभा की दृष्टि से जिनको दिल्ली का सहप्रभार दिया गया है, ऐसे हमारे पवैया जी, और आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के दिन दीनदयाल पार्क में एकत्रित आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज का दिन आप सभी जानते हैं हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन मुगलसराई रेलवे स्टेशन, जो पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वो रेलवे स्टेशन पर पंडित जी की नृशंस हत्या कर दी गई थी। पार्टी का काम करते करते पंडित जी ने आज ही के दिन अपना बलिदान दिया था, और वो जनसंघ के नेता के स्मृति में भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से इस दिन को समर्पण दिन के नाते मनाती है, और इसी हेतु आज सब हम सब यहां पर आज एकत्रित आए हैं। आज दीनदयाल जी का बलिदान दिन है, और दीनदयाल जी ने जो राजनीति के अंदर एक विचार का प्रारंभ किया था, वो विचार को आगे बढ़ाने वाले हम सभी कार्यकर्ता हैं। देश में आजादी के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि लोकतंत्र को यदि सफल बनाना है तो पश्चिम के विचार से दूर अपने संस्कृति की लोकतांत्रिक भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाली एक पार्टी बनानी चाहिए। लोकतंत्र की भावना चाहे पश्चिम की हो या हमारे देश की हो, मूलतः उसमें कोई अंतर नहीं है, परंतु यह देश का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक धारा प्रवाह रहा है। कई सालों से हम अपनी संस्कृति के आधार पर जीते आए हैं, और हम गौरव से कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का जतन, संवर्धन और संरक्षण अगर किसी एक संस्कृति ने सालों तक किया तो वो भारतीय संस्कृति ने किया। और इसीलिए एक पार्टी ऐसी बनानी चाहिए जो इस देश की संस्कृति के आधार पर देश के लोकतंत्र के अंदर एक नए आयामों का सृजन करे, और इसी में से जनसंघ की स्थापना हुई, और दीनदयाल जी जनसंघ के संगठन मंत्री के नाते, जनसंघ के अध्यक्ष के नाते, शुरुआत के उस सालों में जनसंघ की विचार की विचारधारा की नींव रखने के हमारे प्रज्ञा पुरुष हैं, और उन्होंने ही हमारी एक वैचारिक यात्रा को बल दिया, उसका शुभारंभ कराया, उसको एक मील के पत्थर तक पहुंचाने की शुरुआत। उन्होंने एक ऐसी पार्टी की कल्पना करी जो पार्टी के चलने का आधार नेताओं का ओरा न हो, वो पार्टी के चलने का आधार वो पार्टी का कार्यकर्ता और वो पार्टी का संगठन हो, इस प्रकार की पार्टी की रचना दीनदयाल जी ने। इन्होंने एक ऐसी पार्टी की
कल्पना करी, जो पार्टी जब चुनाव के मैदान में जाती है तो चुनाव जीतने के ओछे प्रकार के हथकंडों के आधार पर पार्टी चुनाव न जीते, विचारधारा की स्वीकृति और संगठन की शक्ति के आधार पर चुनाव जीते, इस प्रकार की पार्टी की रचना। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दीनदयाल जी के जीवन के अनेक पहलू अब तो अच्छे तरीके से देश के सामने आए हैं, कार्यकर्ताओं के सामने आए हैं, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोया था एक महान वटवृक्ष बनकर आज दुनिया के सामने खड़ा है। सभी जानना चाहते हैं ये दीनदयाल उपाध्याय कौन था। परंतु दीनदयाल जी के जीवन का एक और पहलू था, उनके समय में न केवल संगठन सुदृढ़ हुआ, न केवल संगठन का विस्तार हुआ, न केवल सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, न केवल विचारधारा की व्याख्या की गई, उनके समय में चुनावी सफलता भी जनसंघ को बहुत अच्छे तरीके से दिलाने का काम दीनदयाल जी ने किया। अपने आप को प्रसिद्धि से दूर रखकर संगठन के माध्यम से चुनाव जिताने का जो मंत्र दीनदयाल जी ने दिया, मैं मानता हूं आज भी हम सभी कार्यकर्ताओं को इसमें से कुछ न कुछ सीखकर आगे बढ़ने जैसा ही मंत्र है। मित्रों, दीनदयाल जी ने पार्टी की कल्पना भी इतनी स्पष्ट रखी है कि आज भी इनके जाने के 50 साल के बाद भी पार्टी चलाने के लिए अगर दीनदयाल जी के कोट पर आप पार्टी चलाते हो तो पार्टी निरंतर ही आगे बढ़ेगी, पार्टी कभी पीछे हटने का सवाल नहीं। इतनी शिद्दत के साथ पार्टी के सभी जरूरियातों का उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों के साथ जोड़कर व्याख्या किया कि आने वाली पीढ़ियों तक, आज छोड़ी आने वाली पीढ़ियों तक भारतीय जनता पार्टी को पार्टी कैसे चलानी, कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं। कार्यालय कैसा हो, कार्यालय मंत्री कैसा हो, संगठन कैसा हो, संगठन मंत्री कैसा हो, विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए किस प्रकार से आगे लड़ें, चुनाव में जाएंगे तो किस मर्यादाओं का पालन करेंगे, ये सारी चीजों को उन्होंने व्याख्या किया। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भी उन्होंने व्याख्यायित की है कि जब तक ध्येय को प्राप्त करने का साधन शुद्ध नहीं होता है तब तक ध्येय की प्राप्ति साधन शुद्धि के साथ नहीं होती। हमारे ध्येय को प्राप्त करने का साधन क्या है? हमारे ध्येय को प्राप्त करने का साधन है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण अंत्योदय के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े हैं, ये दो हमारे ध्येय हैं। इस देश में कोई भूखा न हो, इस देश में कोई बीमार न हो, इस देश में कोई अनपढ़ न हो, इस प्रकार के देश की रचना करना वो अंत्योदय के आधार पर ही हो सकता है। और इस देश का गौरव दिग्दिगंत तक, इसका झंडा दिग्दिगंत तक दुनिया में फहरे और हम एक महासत्ता के रूप में, एक विश्व गुरु के रूप में फिर पुनः पुनः प्रस्तापित हो, इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर ये दो लक्ष्यों को लेकर हम चले। और दो लक्ष्यों को सिद्ध करने का हमारा साधन क्या? तो पार्टी। और पार्टी अगर अच्छे से नहीं चलती है, साधन अगर शुद्ध नहीं है, तो लक्ष्य की प्राप्ति ढंग से नहीं हो पाएगी, हम कभी नहीं कर पाएंगे। और पार्टी को अगर शुद्ध रखना है तो पार्टी धनपतियों के धन से, कालाबाजारियों के धन से, कोई बिल्डरों के धन से, ठेकेदारों के धन से अगर पार्टी चलने लगी तो हमारा लक्ष्य को सिद्ध करने का